नमस्कार, आप देख रहे हैं N27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। ईडी ने दिल्ली की आबकारी नीति से संबंधित धन शोधन के एक मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह के घर पर छापा मारा था और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन संजय सिंह ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह की 5 दिन की ईडी की हिरासत यानी कि आज खत्म हो रही है। ईडी दोपहर बाद संजय सिंह को एक बार फिर राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी। चलिए आपको बताते क्या है पूरा मामला। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद ईडी उनके दो करीबियों सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी से भी पूछताछ कर चुकी है। इतना ही नहीं, दिनेश अरोड़ा और संजय सिंह को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई। ईडी का दावा है कि सर्वेश मिश्रा के जरिए ही 2 करोड़ रुपए संजय सिंह को पहुंचाए गए थे। संजय सिंह से ईडी ने 100 से ज्यादा पूछे सवाल। सर्वेश मिश्रा और संजय सिंह दोनों को आमने सामने बिठाकर की गई पूछताछ। ईडी की पूछताछ वाली स्पेशल टीम में वो अधिकारी शामिल हैं जो शराब घोटाला मामले की कर रहे हैं जांच। इसमें ईडी के वो अधिकारी भी शामिल हैं जिन्होंने बाकी आरोपियों से की है बात। आपको बता दें कि संजय सिंह से कुल मिलाकर 2 राउंड में सवाल पूछे गए। इनमें से ज्यादातर सवाल वो हैं जिनको सर्वेश मिश्रा से पूछताछ के बाद जोड़ा गया। ईडी ने कहा कि संजय सिंह की तरफ से पूछताछ में सहयोग नहीं मिल रहा है, उन्होंने कई सवालों के जवाब भी नहीं दिए हैं। शराब घोटाले को लेकर ईडी की तरफ से जो चार्जशीट दायर की गई है उसमें दिनेश अरोड़ा को आरोपी बताया गया है, लेकिन अब वह सरकारी गवाह बन चुका है। उन्होंने बताया कि संजय सिंह के कहने पर उसने आपके लिए फंड इकट्ठा किया, अरोड़ा ने पैसे इकट्ठा किए और फिर उसे चेक के जरिए सिसोदिया को सौंपा। ईडी का कहना है कि शराब नीति के जरिए कुछ व्यापारियों को फंड के बदले में फायदा पहुंचाने के लिए रिश्वत ली गई। ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह का नाम भी शामिल है, इसीलिए उनको गिरफ्तार किया गया है। यहां बीजेपी की पंजाब इकाई के कार्यालय की ओर बढ़ने से आप कार्यकर्ताओं और समर्थकों को रोकने के लिए बैरिकेड लगाए गए थे। जब प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश की तब पुलिस ने उन्हें तितर बितर करने के लिए पानी की बौछार की और आंसू गैस के गोले भी दागे। इन प्रदर्शनकारियों में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल रहे। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं को डराने धमकाने के लिए ईडी का इस्तेमाल करना प्रधानमंत्री का स्वभाव बन गया है। आपको बता दें कि संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि संजय सिंह की गिरफ्तारी बिल्कुल गैर कानूनी है, ये मोदी जी की बौखलाहट को दर्शाता है, चुनाव तक ये कई और विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करेंगे। केंद्र सरकार की ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा योजना के तहत संजय सिंह को बीती रात प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया। प्रवर्तन निदेशालय की सहोदर सीबीआई पहले ही संजय सिंह के साथ ही मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जेल यात्रा पर भेज चुकी है। सरकार की नजर में ये तीनों महाखाऊ हैं और ना जाने कितना खा चुके हैं। ध्वनि से ज्यादा प्रतिध्वनि का असर होता है, इसे अंग्रेजी वाले ईको कहते हैं। तेज आवाज में बोलने वालों की वजह से संसद का ईको सिस्टम खराब होता है, इसीलिए सदन के नेता कोशिश करते हैं कि तेज आवाज में बोलने वाले सांसदों को काबू में रखा जाए। वे ना माने तो उन्हें निलंबित कर दिया जाए, यानी ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। सरकार संस्कारित और सनातनी सरकार है, उसे मालूम है ना नौमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी, इसीलिए जहां जहां ज्यादा तेल नजर आता है सरकार उसे कम करा देती है। ये फॉर्मूला प्रमाणिक फॉर्मूला है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ N27 न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं N27 न्यूज़, पकड़ हर खबर पर।